आज हम पान चौंका देने वाली ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए दूध बनाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अखरोट, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चने की दाल और कीनुआ। इस वीडियो में इन सब चीजों की हम एक एक कर आपको दूध बनाने की रेसिपी दिखाएंगे। इन दूध के हेल्थ बेनिफिट्स और हर दूध को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो भी इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अखरोट से। अखरोट का दूध बनाने के लिए आधा कप यानी 70 ग्राम के आसपास अखरोट लेंगे, जिनकी कीमत 50 रुपए से भी कम पड़ेगी। 50 रुपए में आप लगभग 1 लीटर अखरोट का दूध तैयार कर सकते हैं। अखरोट का दूध बनाने के लिए अखरोट को बिना भिगोए भी दूध बनाया जा सकता है, पर हम भीगे हुए अखरोट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से अखरोट सॉफ्ट तो हो ही जाता है, पर साथ ही साथ आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को बेटर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। ग्राइंड करते वक्त आप इसमें सिनेमन पाउडर, वनीला एक्सट्रैक्ट, शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक साफ कपड़े की मदद से या फिर नट मिल्क बैग का इस्तेमाल करते हुए पल्प को दूध से अलग कर सकते हैं। अखरोट के दूध को कॉफी या चाय में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला दूध जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कीनुआ का। कीनुआ एक प्रोटीन का रिच सोर्स है और ग्लूटेन फ्री भी है। कीनुआ से बने दूध का टेस्ट ओट मिल्क जैसा होता है, पर कीनुआ पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन बी और ई में हाई होता है। दूध को मीठा करने के लिए आप कुछ खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस मिठास को निखारने के लिए एक चुटकी नमक डालकर इन चीजों को ब्लेंड कर लीजिए। कीनुआ से दूध बनाने के लिए कीनुआ को पहले अच्छी तरह से धो लें। कीनुआ के ऊपर जो सैपोनिन्स की कोटिंग होती है वो धुल जाती है, पर अगर आप जल्दी में हैं तो कीनुआ को आप बिना भिगोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीनुआ के दूध को आप छान सकते हैं, पर पुडिंग और खीर में इस्तेमाल करने के लिए आपको उसे छानने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है वो सीड से भी दूध बना सकते हैं। पहला सीड जो हम दूध बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हृदय रोग और आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए लाभदायक होते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम करते हैं। हम 1 कप भीगे हुए पंपकिन सीड्स को 3 कप पानी के साथ ग्राइंड करेंगे। फ्लेवर और मिठास के लिए आप इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आप इस दूध को नट मिल्क बैग से छान सकते हैं और ये नट मिल्क बैग आपको कहाँ से मिलेगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। जो पल्प बच गया है उसको आप कुकीज और ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बीज जो हम दूध बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी का बीज। ये बीज इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आपको इसे भिगोने का वक्त नहीं मिला तब भी इसका दूध आसानी से बनाया जा सकता है। इस दूध को आप अपनी मनपसंद रेसिपीज जैसे कि पैनकेक्स, वॉफल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगला दूध हम बनाने जा रहे हैं वो है चना दाल का। 1 कप दाल को रात भर भिगोने के बाद हम 3 कप पानी के साथ ग्राइंड कर रहे हैं। इस दूध को छानने की जरूरत नहीं होगी। इस दूध को आप किसी भी ग्रेवी और करी को थिक और क्रीमी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड मिल्क में क्योंकि कोई एमल्सीफायर नहीं होता इसलिए वो सेपरेट हो जाता है, बस इस्तेमाल करने से पहले उसे एक बारी मिला लें। प्लांट बेस्ड मिल्क की एक खास बात यह है कि उसे गाढ़ा बनाने के लिए आप पानी की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं। गाढ़े दूध के लिए पानी की मात्रा कम रखें। प्लांट बेस्ड मिल्क को फ्रिज में 3 से 5 दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।